नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध एक अध्याय तीन श्लोक संख्या 39 से 39वां नंबर श्लोक हम करेंगे, परंतु जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, परपोर्ट में से एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे जो 34वें नंबर परपोर्ट के 34वें नंबर श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद ने बताया है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के जो रूप होते हैं, नाम रूप गुण लीला पार्षद इत्यादि और उनकी शक्तियाँ, ये सब भगवान से अभिन्न है। अर्थात भगवान, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएँ, उनके पार्षद और उनकी शक्तियाँ सब एक हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान, चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, ये प्रभुपाद के शब्द हैं, तो उनकी दिव्य शक्तियाँ उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। भगवान के पास अनंत शक्तियाँ हैं। तीन शक्तियाँ प्रमुख रूप से बताई जा रही है हम लोगों को, और वैसे बहुत सारी शक्तियाँ, तो तीन शक्तियाँ जो हैं जिसकी चर्चा हमेशा हो रही है वो है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। ठीक है, भगवान इन तीनों शक्तियों में से किसी से भी कुछ भी कर सकते हैं। तीनों भगवान की ही शक्तियां हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे बिजली है ना, बिजली हमारे घर तक आती है, उसी बिजली से हम हीटर भी चला सकते हैं और फ्रिज में कुछ चीज़ ठंडा भी कर सकते हैं, यानी गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं। एसी भी चलाते हैं हम उसी बिजली से, जब एसी चलता है तो पूरा रूम ठंडा हो जाता है, लेकिन जब हीटर चलता है तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो बिजली तो सेम है, वही बिजली है, परंतु उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से एक्सपर्ट जो होते हैं वो करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या साइंटिस्ट, वो उसी बिजली से चीज़ें ठंडा भी करते हैं, चीज़ें गर्म भी करते हैं, किसी चीज़ को काटते भी हैं, किसी चीज़ को जोड़ते भी हैं। आपको पता है जितना कटर्स होते हैं, सब मशीन, सारे कटर्स चलते हैं बिजली पे, फैब्रिकेशन वाले काटते हैं और फिर दो चीज़ को काट के फिर जोड़ते भी हैं, फ्यूज़ भी करते हैं। तो कहने का मतलब यूज़ करने आना चाहिए। इसी प्रकार भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, तो भगवान के हाथ में है उसको कैसे, किस शक्ति को कैसे प्रयोग में लाएं। सामान्यतया हम ये जानते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति जो होती है वो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है या भक्तों के ऊपर कार्य करती है। अब हम सब जीव जो हैं, हम लोग तटस्था में हैं, हम लोग अंतरंगा में भी नहीं हैं और बहिरंगा में भी नहीं हैं, हम तटस्था में हैं, बद्ध जीवात्मा। तो बद्ध जीवात्मा अब क्या करेगी, हम सब बद्ध हैं, हमारे ऊपर अंतरंगा शक्ति कार्य नहीं कर रही है, भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य कर रही है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की इच्छा अनुसार ये तीनों शक्तियाँ कार्य करती हैं और भगवान अपनी इच्छा से
बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। भगवान अपनी इच्छा से बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं, इसीलिए भगवत कृपा से वो बहिरंगा शक्ति जो है वो जीवों को मोहित कर रही है, मोहित कर रही है। जीव जो है वो क्या है, मोहित है, कंफ्यूज्ड है और मोह में फंसे हुए हैं। परंतु ये बहिरंगा शक्ति जो जीवों को मोहने का कार्य कर रही है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप और तपस्या से शमित हो जाती है। अर्थात अभी हम भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित हैं। बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा माता। ठीक है, तो दुर्गा माता हमारे ऊपर बहिरंगा शक्ति लगाई हुई हैं, हम बहिरंगा शक्ति के अंदर मोहित हैं और दुनिया की हर चीज़ को भोगने की कोशिश कर रहे हैं और दुख में जी रहे हैं। अब हमने सोचा कि हम भगवान से जुड़े तो भगवान की कृपा शुरू हो गई, तब क्या होगा, हम पश्चाताप करेंगे, अरे हमने अपना जीवन बिता दिया, भगवान का नाम नहीं लिया, हमने भक्ति नहीं किया, ऐसा पश्चाताप करता है जीव और तपस्या करता है, व्रत उपवास नाम का जप श्रवणम कीर्तनम ये सब करता है। तो जब ये सब करता है जीव तो वो बहिरंगा शक्ति जो बहुत शक्तिशाली है और जो बहुत पावरफुली उसके ऊपर कार्य कर रही है जीव के ऊपर, वो शांत हो जाती है। ऐसा लिखा है ना, शमित हो जाते हैं, वही बहिरंगा शक्ति शमित हो जाता है और फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। तो अब हमने तपस्या शुरू किया, हमने भक्ति शुरू किया, जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान की वही बहिरंगा शक्ति जो हमारा टेस्ट कर रही थी, हम बार बार टेस्ट में फेल कर रहे थे, अब क्या हो गया, अब वो बहिरंगा शक्ति शांत हो गई, अब हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी और क्या करेगी, हमारे आत्म साक्षात्कार में वो सहायता करेगी, वही भगवान की बहिरंगा शक्ति। देखिए हम तो आध्यात्मिक जगत में नहीं हैं, हम कहाँ हैं, भौतिक जगत में, भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति ही कार्य कर रही है, अंतरंगा शक्ति नहीं कार्य कर रही है, लेकिन वही बहिरंगा शक्ति अब अलग तरीके से कार्य करेगी, अब हमें वो सहायता करेगी ताकि हम भगवान के बारे में जान सकें, खुद के बारे में जान सकें, आत्मा के बारे में जान सकें, क्योंकि आत्मा के स्तर पर जब हम कार्य करते हैं पूर्ण रूप से तब होता है आत्म साक्षात्कार। जब तक शरीर मन बुद्धि अहंकार इन चीज़ों के विषयों में, इन विषयों के ऊपर हम सोचते हैं और इनके खुशी के लिए कार्य करते हैं तो हम फिर आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, फिर हम दूर रहेंगे भगवान से। लेकिन जब हम आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो हम आत्म साक्षात्कार के दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार डाल रही थी, अब वही शक्ति भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में बदल गई और जीव को शाश्वत जीवन प्रदान कर रही है। यानी वो बहिरंगा शक्ति जो हमें, जिसके कारण हम मोहित हो रहे थे, तीन गुणों वाली बहिरंगा शक्ति जिसके कारण हम मोहित हो रहे थे, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र काट रहे थे, अब वो अंतरंगा की तरह हमारे ऊपर कार्य कर रही है और जन्म मृत्यु का चक्र काटना बंद करा के शाश्वत जीवन प्रदान करती है वही शक्ति। जब जीव पर भगवान कृपा करते हैं तब वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का भोग करता है। तो ये पूरा परपोर्ट जो हमने आपको पूरा बताया, ये सब कुछ 34वें नंबर श्लोक के परपोर्ट में है, आप देख लीजिएगा, 34 नंबर श्लोक प्रभुपाद के शब्द हैं ये। तो इस प्रकार ये भगवान की तीनों शक्तियाँ भगवान के इच्छा के अनुसार कभी भी कोई भी कार्य कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे हम हैं तो हम
हमेशा अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति के ही द्वारा कंट्रोल में रहेंगे। नहीं, वही बहिरंगा शक्ति हमें सहायता करेगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, अंतरंगा के रूप में वो कार्य करेंगी, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो आज का श्लोक हम लेंगे, एक ही हमने लिया आज, फिर बाद में हम देखेंगे आगे का प्रपोर्ट। तो कल जो हो गया था 38 नंबर, उसके आगे अथेह धन्याह भगवंत इत्थम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्मभावम न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः। अथ इस प्रकार इह संसार में धन्याः सफल भगवन्तः पूर्णतया भिज्ञ इत्थम ऐसा यत जो वासुदेवे भगवान के प्रति अखिल संपूर्ण लोकनाथे समस्त जगतों के स्वामी के प्रति कुर्वन्ति प्रेरित करते हैं सर्व आत्मकम शत प्रतिशत आत्म आत्मा भावम आह्लाद न कभी नहीं यत्र जहां भूयः फिर परिवर्तः पुनरावृत्ति उग्रह भयानक। तो इस संसार में केवल ऐसी ही जिज्ञासाओं द्वारा मनुष्य सफल तथा पूर्णतः भिज्ञ हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत प्रतीक्षा की गारंटी प्राप्त हो सकती है। तो सूत गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने कुल मिलाकर 6 प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्नों के ऊपर पूरा भागवतम हो गया। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है भगवत चर्चा, जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, ऐसे जिज्ञासाओं से, अर्थात ऐसे जिज्ञासाओं का जब उत्तर मैं दूंगा तो उन सब प्रसंगों से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, होता है। और फिर ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उस शत प्रतिशत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। भगवत कथा सुनने से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त होता है। देखिए, भगवत कथा समझ में आए या समझ में नहीं आए, केवल सुनना है, केवल सुनने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। परंतु ये बात ध्यान रखना है कि कथा बोलने वाला व्यक्ति जो है वो परंपरा में होना चाहिए और उसका भाव अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना ज़रूरी है। नहीं तो प्रवचनकर्ता वाला भाव हमारे में आता है। अगर प्रवचनकर्ता धन कमाने के लिए प्रवचन दे रहा है तो फिर वो प्रवचन से फ़ायदा नहीं होगा, ये बात सच है। प्रवचनकर्ता के अंदर भगवान का प्रचार करने की इच्छा या भगवान का गुणगान करने की इच्छा होनी चाहिए, उस उद्देश्य से वो भगवान का गुणगान कर रहा है या प्रवचन दे रहा है, ये आवश्यक है। और उनके गुरु जो हैं, गुरु पूरे जितने गुरु और गुरु के गुरु सब बोनाफाइड संप्रदाय में होने चाहिए, ये आवश्यक है। तो तब क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति
अयनम महत इदम इस भागवतम, भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाले ग्रंथ को नाम नामक, पुराणम वेदों के अनुपूरक, ब्रह्म सम्मितम भगवान श्री कृष्ण का अवतार, उत्तम श्लोक भगवान का, चरितम कार्यकलाप, चकार संकलित किया, भगवान भगवान के अवतार ऋषि व्यासदेव जी ने निःश्रेयसाय परम कल्याण के लिए लोकस्य लोगों के धन्यम पूर्णतया सफल धन्य स्वस्ति अयनम सर्व आनंदमय महत परिपूर्ण। तो यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्यावतार है जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने संकलित किया है। यह समस्त लोगों के परम कल्याण के लिए है, निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल आनंदमय और परिपूर्ण है। ये जो श्रीमद् भागवतम है, हमारे पास एक बुक है अभी। अगर आप गीता प्रेस की बुक लेते हैं तो आपको दो दो में पूरा श्रीमद् भागवतम मिल जाएगा। कथा है वो, उसमें परपोट नहीं है बिल्कुल भी। जो श्लोक हैं और उसका अर्थ पूर्ण रूप से, वो भी अच्छा ग्रंथ है। गीता प्रेस का जो ग्रंथ होता है ना, वो मायावादी नहीं होता है, वो असली सही चीज़ों को सिर्फ उन्होंने लिख दिया है, शब्द और उसके श्लोका और उसके अर्थ, तो इसीलिए सिर्फ दो बुक हो जाती है। पर प्रभुपाद ने उसको समझाया है, परपोट दिया है, हर हर श्लोका का परपोट शब्दार्थ, इसलिए ये 18 बुक्स हैं, 18 बुक्स पूरा भागवतम। तो ये जो भागवतम है, जैसा कि हमने अभी पहले श्लोक इसके पहले देखा था कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, चरित यानी लीलाएं, और उनके पार्षद भी सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ये जो ग्रंथ है, ये भी भगवान का एक अवतार है। इसको कहते हैं साहित्य अवतार, साहित्यावतार। ये साहित्य के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। जैसे मूर्ति होती है पत्थर की या पीतल की, सोने चांदी की मूर्तियां होती हैं, तो वो तो ऐसे देखा जाए तो पत्थर है या सोना है या चांदी है या लकड़ी है या मिट्टी है, जिससे भी बनता है। परंतु उसको हम भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं। जब उस मूर्ति का अच्छे से गुरु महाराज और सब जो हैं सन्यासी या कहीं के भी पुजारी, मंत्रों के द्वारा, विधियों के द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा भगवान को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तो भगवान उसमें अवतरित होते हैं। अवतरित, अवतरण शब्द का अर्थ होता है उतरना। तो भगवान वहां से, ऊपर से, धाम से उतर के उस मूर्ति में आ जाते हैं। तब उस मूर्ति को हम क्या कहते हैं? ये है राधा कुंज बिहारी, ये है राधा वृंदावन चंद्र, ये है राधा श्याम सुंदर जी, ये है राधा माधव जी, सबके अलग अलग नाम हम रखते हैं। और सारी मूर्तियां जो होती हैं, वो सारी मूर्तियां पूजित होती हैं, उनकी अर्चना होती है, इसीलिए हम उनको कहते हैं अर्चा विग्रह। अर्चना यानी पूजा करना विधि विधान से, तो अर्चना करते हैं तो कहते हैं अर्चा विग्रह, यानी ये विग्रह है और इसकी हम अर्चना कर रहे हैं। अर्चा होने वाली, अर्चना होने वाली विग्रह, तो वो अर्चना होता है उनका। और सेवा विग्रह, जिनकी सेवा होती है सेवा विग्रह, ऐसे अलग अलग विग्रह होते हैं और उनका हम नाम रखते हैं। फिर वो विग्रह भक्तों के साथ, जो पुजारी होते हैं या जो दर्शन करने आते हैं भक्तगण,
कोई भी भक्त जो उनके सामने आता है, रोना धोना हंसना बोलना खेलना, अपनी शिकायत सुनाना, उनसे कुछ मांगना, कुछ भी भगवान के सामने आके भक्त करता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें भक्त करते हैं भगवान के सामने, हजारों लाखों की संख्या में। आप देखिए बाँके बिहारी जी मंदिर में कैसी भीड़ रहती है रोज़, करोड़ों लोग अभी तक भगवान का दर्शन कर चुके होंगे जब से विग्रह स्थापित हुए। तो वो सारे भक्तों में से कुछ भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं और वो लीला वही विग्रह करते हैं। अब ये नहीं सोचिए आपकी गोलोक धाम से भगवान आते हैं और लीला करते, नहीं, वो जो विग्रह हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया है वो विग्रह एक भगवान का एक अवतार है और वो लीला करता है भक्तों के साथ। ठीक है, तो अब राधा श्याम सुंदर जी अलग हैं, बाँके बिहारी जी अलग हैं, यहाँ के कुंज बिहारी जी अलग हैं, क्योंकि यहाँ भगवान अवतरित हुए और ये भगवान का जो रूप है वो अलग है दूसरे रूप से, और ये भगवान का मंदिर भी अलग है, राधा रानी भी अलग हैं, और इनकी लीलाएं भी अलग हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान अवतरित हुए हैं, आप समझ गए अभी इस बात को, इसीलिए सारे भगवान की लीलाएं अलग होती हैं, सारे भगवान जो होते हैं उनका उठना सोना खाना पीना अलग होता है, उनके पुजारी अलग होते हैं और वो बहुत प्रेम करते हैं पुजारी से, अपने पुजारी का ख्याल रखते हैं, तो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार ये मैंने क्यों इतना एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उसी प्रकार इसमें भी भगवान अवतरित हुए, ये जो ग्रंथ है ना इसमें भगवान अवतरित हुए, तो ये भगवान का एक अवतार है। पर ये कैसा अवतार है, ये साहित्यिक अवतार है, ये इसमें साहित्य है, इसमें लिखा गया है, चीज़ें लिखी गई हैं भगवान के बारे में, और कोई फर्क नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि श्रीमद् भागवतम को यदि कोई व्यक्ति जंगल में जेल में कहीं भी अंडमान निकोबार द्वीप में कहीं भी इस ग्रंथ को लेके पूजा, इसकी पूजा की, इसको सिर पे रखा, इसके शब्दों को अपना समझा और इसकी भक्ति की, वहीं से भगवान उसको भगवत धाम लेके चले जाएंगे, प्रकट होके लेके चले जाएंगे, इतनी शक्ति है इनके बुक में। ऐसा नहीं समझिए कि अर्चा विग्रह जो है वहीं पर जाके आरती करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, नहीं, अकेले श्रीमद् भागवतम एक बुक, सिर्फ एक ग्रंथ आपको भगवत धाम लेके चला जाएगा, इतना पावर है शक्ति इस ग्रंथ में, इसको मामूली मत समझिए। तो इस ग्रंथ को जो सुनता है श्रवणम करता है, चाहे वो अनपढ़ हो गवार हो, कुछ भी मालूम नहीं हो उसको, ABCD नहीं मालूम हो संस्कृत का, सिर्फ वो सुनेगा वो भी भगवत धाम जाएगा। श्रद्धा होना चाहिए उसके अंदर, श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए भगवान के प्रति कि मैं भगवान की कथा को सुन रहा हूँ, बस इतना ही, बस काफी है, इतना काफी, अपने आप में परिपूर्ण है ये ग्रंथ। तो ये भगवान का अवतार है और इसको व्यास देव जी ने लिखा है, किस लिए लिखा है, लोगों के कल्याण के लिए लिखा है, और ये सभी तरह से सफल आनंदमय और परिपूर्ण है, सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ। और श्रीमद् भागवतम जो है, किसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों की कथा, शुद्ध भक्तों की और भगवान के साथ जो लीला हुई है वो कथा है श्रीमद् भागवतम, जिसका जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला देगा, ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इतना महत्वपूर्ण चीज है, समझिए। इसको पुराण कहते हैं, पुराण, और ये पुराण किसको कहते हैं, वेदों का पूरक, यानी वेद तो समझ में नहीं आएंगे हमें, तो वेद को कैसे समझें, पुराणों के माध्यम से। यदि वेदों में लिखा है कुछ भी, जैसे वेद से निकाला गया है ईशोपनिषद, 15 श्लोक या 18 श्लोक हैं शायद उसमें, कितना मुश्किल है उसको समझना, क्योंकि हर श्लोक बहुत डिटेल में कुछ बताता है, जैसे सिद्धांत बताता है कि भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, भगवान आप अपने प्रकाश को समेट लीजिए, हमें आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तिक्तेन भुंजिता माग्रिता कस्य स्विदधनम्,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अब ये कैसे समझेगा भक्त, इतना मुश्किल चीज भगवान बोलते हैं, इतना सारा डिफिकल्ट शब्द रहता है उसमें, कैसे समझें पूर्ण पूर्ण पूर्ण, इतनी बार पूर्ण आया है। तो इसीलिए कथा, कथा में सब कुछ बता देते हैं भगवान। एक एक राजा है, एक रानी है, एक मंत्री है, एक उनका पुत्र है जैसे प्रहलाद है। तो कैसे प्रहलाद ने भक्ति की, कैसे भगवान प्रकट हो गए, आसान है, एकदम आसान है समझना। इसीलिए इसको पूरक ग्रंथ कहते हैं। पूरक यानी जो वहां समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ में आ जाएगा। ये उस इसको जोड़ करके रखेंगे वेदों के साथ तो वेद समझ में आ जाएंगे, अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो वेद ना इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में, ना उसमें कोई रस है और ना समझ में आने वाली चीज़ है। खास करके स्त्रियों को, बच्चों को बिल्कुल नहीं, शूद्रों को, वो सिर्फ जो हाई स्टैंडर्ड ब्राह्मण होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भृगु मुनि और गौतम ऋषि, कणाद ऋषि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, ऐसे लोगों को समझ में आते हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी वो भाव नहीं उत्पन्न होगा वेदों को पढ़ के, जो शुद्ध भक्ति वाली भाव वाला भाव है वो नहीं उत्पन्न होगा वेदों को पढ़ करके, वो तो भगवान की लीलाओं को सुनने और पढ़ने से उत्पन्न होता है। इसलिए ये भागवतम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे भी ज़्यादा रस है चैतन्य चरितामृत में। ये अगर मास्टर्स है तो वो तो PhD है। तो इसके बाद हम वो शुरू करेंगे, अभी पहले ये कर लेते हैं। तो तत् इदम ग्राहयाम आस सूतम आत्मवताम वरम सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। तत् उस इदम यह ग्राहयाम आस स्वीकार स्वीकारा स्वीकार कराया सूतम उनके पुत्र को, आत्मवताम स्वरूप सिद्ध को, चरम अत्यंत आदरणीय सर्व समस्त वेद वैदिक साहित्य इतिहासानाम समस्त इतिहासों का सारम सार सारम सार समुद्रितम निकाला हुआ। तो श्री व्यास देव जी ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा जगत के इतिहासों का सार निकाल कर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तो व्यास देव जी सारे ग्रंथों को लिखे थे, फिर व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाला, एसेंस निकाला, सार निकाला वेद और इतिहास सारम सारम समुद्रितम, सारम सारम समुद्रितम, सारों को निकाला, सारों का सार निकाला। जैसे दूध को मथ के हम मक्खन निकालते हैं वैसे, और अपने पुत्र को सुना दिया जिनका नाम है सुखदेव गोस्वामी, जो अत्यंत सम्माननीय है, स्वरूप सिद्ध है, और साधारण व्यक्ति नहीं है सुखदेव गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को ये सुनाया, पहले बताया सूत गोस्वामी ने कि व्यास देव जी जीवों पर कृपा करने के लिए एक वेद जो बहुत मुश्किल था समझना, उसको चार वेदों में विभाजित किया, ठीक है, थोड़ा आसान बनाया। चारों वेदों को उन्होंने अलग अलग ऋषि मुनियों को दिया, एक वेद एक ऋषि को, दूसरा दूसरे, तीसरा चौथा, ताकि वो ऋषि उस अपने शिष्यों को वो समझा सके, आसान हो जाएगा ना चार लोगों को बांट दिया तो। और फिर इतिहास भी है, फिर उसके ऊपर उन्होंने पुराण लिखे, और उसके बाद ये श्रीमद् भागवतम लिखा। ये भी एक पुराण है, परंतु बाकी सारे पुराण से ज़्यादा महत्वपूर्ण और रसीला ये पुराण है। ये सिर्फ भगवान कृष्ण के लीला, उनके बारे में, उनके चरित्र, और भी कुछ ग्रंथ हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, पर श्रीमद् भागवतम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम बनाया, रस निकाला,
एसेंस निकाला और अपने पुत्र को सुनाया ताकि वो ज्ञान को इस ज्ञान को आगे लोगों तक बढ़ाएंगे। आज का कथा यहीं पे समाप्त। आज की कथा, देखिए बोलते बोलते मेरा ग्रामर वगैरह सब खराब हो रहा है। आज है 26, तो आज की कथा हम यहीं रोकेंगे। अगर प्रश्न है तो बोलिए आप लोग, ठीक है। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।